राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली सीलमपुर रोड पर हजारों की संख्या में लोग उतरकर एनआरसी का विरोध करने लगे। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर हंगामा हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इस मामले पर कांग्रेस, आप और भाजपा तीनों के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली को जलाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में वोट बैंक के लिए दिल्ली को जलाने का साजिश रच रहे हैं। दो दिन पहले उन लोगों ने जामिया मिलिया के छात्रों के नाम पे उत्पात किया और अब ये सीलमपुर में उत्पात कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, बसों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ उनके विधायक ने, ओखला के विधायक ने भड़काऊ भाषण दिया, यहाँ इधर के उनके विधायक लोग भड़काऊ भाषण देके ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। मैं मुसलमान भाइयों से, दिल्ली के सभी मुस्लिम भाइयों से, छात्रों से प्रार्थना करता हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस उकसावे में बिल्कुल मत आइए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का किसी भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपील कर रहा हूं कि सभी जिम्मेदारों से कि अपना ध्यान रखें और जो भी हमें मैसेज पहुंचाना है, अपने अंदर शांतिपूर्ण, अपनी गलियों के अंदर, अंदर वाले रोड के ऊपर, मेन रोड पे ना जाएं। अपने बच्चों से कहें कि कोई मेन रोड पे ना जाए, अंदर वाले रोड के ऊपर अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाएं, विरोध दर्ज करें अपना। और सभी जिम्मेदार इलाके के चिंता में वो बात कर रहे हैं आगे, और आपसे बहुत बहुत अपील है, आप मेहरबानी करके के शांति बनाए रखें। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके की हिंसा को बढ़ावा ना दें, शांति बनाए रखें। हमारी सरकार आपका भविष्य बनाना चाहती है, आपका भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहती। आपकी कोई भी किसी भी तरीके की समस्याएं हैं, आप शांतिपूर्वक सरकार के साथ डिस्कस करिए और जो भी समाधान होगा, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के भी बहकावे में मत आके हिंसा को अपनाइए। और मैं कॉन्स्टेंट टच में हूँ पुलिस के साथ, DCP के साथ, और जो भी बेस्ट टू बेस्ट होगा आप सब लोगों के लिए, हमारी सरकार बिल्कुल वही करेगी। प्लीज़ एक और बार मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखिए, हम सबकी दिल्ली है, आपकी दिल्ली है। उसने कहा हमने सूचना पुलिस को दे रखी थी, पुलिस हमारे साथ थी, इनकी है ऑलरेडी, और वो जुलूस शांतिपूर्वक हमने ख़त्म भी कर दिया। ये पता नहीं कौन लोग थे, हमें नहीं पता। इसके बाद मैं 1:30 बजे करीब शुरू कर रहा था, 2:30 बजे 3 बजे खत्म हो गया। अंदर ही अंदर था, बाहर रोड पर कहीं नहीं आए। अच्छा, क्या क्या बता दे सर, किस जाफराबाद, सीलमपुर और मौजपुर। जैसे आपका खत्म हुआ जल्दी, उसके बाद लोग भड़के? ना, भड़के नहीं, अपील कर घर चले गए सब। ये अलग मैटर है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अलग अलग उसमें कोई नेता नहीं था, लोग अपने आप कर रहे थे, वो मार्केट भी बंद करवा रहे थे और अलग अलग जुलूस लेकर गलियों में घूम रहे थे। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तेज निगाहें ब्यूरो दिल्ली।